गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट किया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन के प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, when we add two rational numbers, then we get a rational number. तो हम लोग एक rational number ही पाते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं कि सच में पाते हैं या नहीं। देखिए हम लोग दो rational number लिए, 4/3 and 2/3। Add करते हैं, 4/3 plus 2/3 is equal to 3, 4 plus 2 is equal to 6/3। Yes, ये भी एक rational number है। तो क्या होगा? अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं किसी भी सीक्वेंस में, जैसे a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो या किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल 4/5 एंड 3/10। हम लोग दो रैशनल नंबर लिया 4/5 एंड 3/10। तो पहला सीक्वेंस करते हैं 4/5 प्लस 3/10। नेक्स्ट हम लोग सीक्वेंस करेंगे क्या, 3/10 प्लस 4/5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10, 5 टू जा 10, 2 × 4 प्लस 3 × 1। सिमिलरली 3 × 1 प्लस 2 × 4, इसका एलसीएम क्या होगा? 10 इज इक्वल टू 4 टू जा 8 प्लस 3 × 1 = 3 इक्वल टू 3, 8, 10 इज इक्वल टू 11/10 इज इक्वल टू 11/10। दैट मीन्स दोनों मेरा क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिए क्या है? सेटिस्फाइड है। थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर हम कोई तीन रैशनल नंबर दें, ठीक है, हम लोगों ने लिया a बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ। तो फर्स्ट दो का ग्रुप बनाया, अब ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या किए, लास्ट दो का ग्रुप बनाया, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हम लोग तीन रैशनल नंबर लिए 2/3, 1/2 एंड 5/6। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट दो पेयर को ऐड करेंगे एंड लास्ट सेकेंड में क्या किया हम लोग, लास्ट दो पेयर को ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो 2/3 यानी अगर हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग भी लें तो फर्स्ट पहला क्या, ब्रैकेट क्लियर करते हैं। तो ब्रैकेट क्लियर करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम 3 × 2 = 6 होगा। ठीक है, तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 प्लस 2 × 3 = 6, 3 × 1 प्लस 5/6, 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 1 = 3, 6 प्लस 5/6, 7/6 प्लस 5/6। क्या देखें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स एलसीएम 6 होगा। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12/6। अब नेक्स्ट हम इसको क्लियर करते हैं 2/3। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लियर करेंगे। तो ब्रैकेट में मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 6, तो 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6। ठीक है, 2 × 3 = 6, 3 × 1 प्लस 5, 6 × 1 = 6, दैट मीन्स 5 × 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3 + 5 divided by 6, 2/3
प्लस 8 बाई 6। अब क्या होगा कि फिर हम एलसीएम लेंगे 3 एंड 6 का, तो एलसीएम क्या होगा 6, 3 टू 6, 2 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 8, 6 इज इक्वल टू 12 बाई 6। मेरा यहाँ भी 12 बाई 6 आया है और यहाँ भी 12 बाई 6, यानी दोनों इक्वल, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है एडिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कहता है कि हम रैशनल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें जो रैशनल नंबर के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। तो कौन सा ऐसा नंबर हम लोग ऐड करेंगे, तो मैम जीरो। जीरो हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो उस नंबर का वैल्यू को कोई भी चेंजिंग नहीं करता है। तो ए बाई बी प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए बाई बी, यानी हम रैशनल नंबर में जीरो ऐड करें या जीरो में रैशनल नंबर को ऐड करें तो वैल्यू क्या होगा, ए बाई बी, यानी रैशनल नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। तो जीरो क्या कहलाएगा, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट मेरा है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है, जैसे रैशनल नंबर हम लिया ए बाई बी और उसके एडिटिव इनवर्स को, सॉरी उसके इनवर्स को है ना ऐड करते हैं, ठीक है, यानी ए बाई बी और इसका इनवर्स क्या है, माइनस ए बाई बी, या फिर माइनस ए बाई बी और ए बाई बी को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी। तो हम यानी कि क्या बोलते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर और उसके इनवर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन देखेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए।